हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुलाम के नियम का सत्यापन करेंगे, वो भी गॉस के प्रमेय के नियम से। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, गॉस की प्रमेय से कुलाम के नियम का सत्यापन करना है। ये आप लोगों को बोर्ड पेपर में लगभग 4 या 6 नंबर में पूछेगा, तो आइए इसे देख लेते हैं आज। तो देखिए, गॉस की प्रमेय से कुलाम के नियम का सत्यापन करना है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक सुंदर सा गोला बनाएंगे। ठीक है, एक सुंदर सा गोला बनाएंगे, इसमें एक क्यू आवेश को रख देंगे। ठीक है, धन क्यू आवेश को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे धन क्यू आवेश है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर है इस गोले की। ठीक है, यहाँ तक की बात आप लोग समझ में आ रही होगी। अब देखिए, ये जो गोला है इसके हम पृष्ठ पे मान लेते हैं एक आवेश क्यू नॉट है। ठीक है, एक आवेश क्यू नॉट है। ठीक है, अब देखिए इस गोले पे हमने एक आवेश क्यू नॉट को मान लिया है। अब देखिए, इस प्लस क्यू के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो देखिए, इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर की ओर होती है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं भी आप इस गोले पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी की ओर। तो देखिए, इसके पृष्ठ पर एरिया वेक्टर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। मान लेते हैं इस गोले के कारण वैद्युत फ्लक्स फाई है। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है इस गोले में। अब इस गोले को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, उसके बाद थ्योरी है। ठीक है, अगर आप इसकी राम कथा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा। एक धन क्यू आवेश है जो एक आर त्रिज्या वाले गोले के भीतर स्थित है। ठीक है, जिसके पृष्ठ पर आवेश क्यू नॉट रखा गया है। ठीक है, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर है, एरिया वेक्टर ए है, वैद्युत फ्लक्स हाई है। आप लोग अपने से लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि आप लोग छोटे नहीं रहे हो, आप लोग बड़े हो गए हो। ठीक है, इसलिए आप लोग अपने से इसकी राम कथा जो भी कथा हो आप लोग लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लिखेंगे इस गोले से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे देखिए आर त्रिज्या वाले गोले से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कोष्टक में यहाँ पे लिख देंगे गॉस के प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे गॉस की प्रमेय से या गॉस के नियम से। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा फाई बराबर 1/ε0 × Q, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब इस गोले पे आइए, देखिए इस गोले पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही दिशा में लग रहा है, तो इन दोनों के बीच बना कोण हमारा थीटा हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर। ठीक है, तो अब देखिए रखते हैं, हम डायरेक्ट रख रहे हैं। देखिए यहाँ पे फाई है, तो फाई का मान ई ए कॉस थीटा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ई ए कॉस थीटा। अब देखिए 1/ε0 × Q है, तो इसको लिख देंगे 1/ε0 × Q। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे का ऐसा हो जाएगा। अब इस ए को इधर ले जाएंगे और कॉस थीटा के जगह पर 0 अंश रखेंगे, तो देखिए कॉस थीटा के थीटा की जगह 0 अंश रखेंगे तो कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/ε0 × Q/A। ठीक है, अब देखिए एक स्टेप और लिखते हैं, ई बराबर 1/ε0 × Q/A। देखिए इस गोले का क्षेत्रफल लिखेंगे। ठीक है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr² आप लोगों ने पढ़ा है, 4πr². अब इसे समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, आप लोग जितना मन उतना समीकरण मान सकते हैं अपने समझने के लिए। तो हमने यहाँ पे समीकरण इसको 3 मान दिया है, ई बराबर 1/ε0 × Q/4πr² हमारा आ गया है, इसे समीकरण नंबर हम 3 मान लिए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे इस प्लस क्यू के कहाँ प्लस क्यू नॉट
प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगाया गया बल। दो आवेशों के बीच बल लगता है तो यहाँ पे प्लस क्यू क्यू नॉट पे बल लगा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, लिखेंगे प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगाया गया बल, लगाया गया बल। बल का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, यह बराबर E इंटू क्यू, ये जो हमारा सूत्र होता था E बराबर F अपान में Q, तो हमने F को ऐसे बराबर किया है, इसका गुणा कर दिया है, तो E इंटू क्यू आ जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, इसी सूत्र को हमने अप्लाई किया है। अब मान लेते हैं इसे समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से लिखते हैं, अब देखिए लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 3 से मान रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 3 से मान रखने पर, मान रखने पर। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बिल्कुल समझाने की पूरी कोशिश किया है, आप लोगों को मैं ऐसा करता हूँ कि समझ में आया भी होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे F बराबर E इंटू क्यू है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम मान रखते हैं E का मान यहाँ से रख देंगे समीकरण 3 से, यहाँ पे F बराबर आ जाएगा अपना 1 अपान में एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में 4 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू नॉट, क्योंकि क्यू नॉट पे बल लग रहा है। अब देखिए F बराबर 1 अपान में, अब इसको रीअरेंज करके लिख दे रहे हैं अच्छी तरह से, तो लिख देंगे यहाँ पे ऊपर क्यू क्यू नॉट है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू क्यू नॉट, लिख देंगे 1 अपान में 4 पाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए, हमारे यही सूत्र है कूलाम के नियम का, तो हमने गॉस के प्रमेय के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन कर दिया है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों को दोहरा देते हैं, देखिए यहाँ पे एक हमने गोला बनाया जिसके अंदर प्लस क्यू आवेश रखा है, आप लोग भी रखिएगा। ये देखिए, इस गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, इसके पृष्ठ पे एक आवेश क्यू नॉट है, ठीक है, मैंने माना है अपने से, आप लोग भी मान लीजिएगा। देखिए इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर लग रहा है, इस सरफेस पे हम परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे इस लंबवत निकाले हैं, ये भी नीचे की ओर लग रहा है, मान लिया इसके कारण वैद्युत फ्लक्स फाई है, गोले के कारण वैद्युत फ्लक्स फाई है। अब देखिए यहाँ पे बस थ्योरम है और कुछ, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन की कोई बात नहीं की है। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे आर त्रिज्या वाले गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पे गॉस की प्रमेय से लिख देंगे, फाई बराबर 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हो जाएगा। आप लोगों ने फाई का सूत्र एक तो पढ़ा है, ये कॉस थीटा समीकरण नंबर 2 से मान लीजिएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, अब देखिए हमने यहाँ पे मान रखा ये कॉस थीटा 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच थीटा कोण 0 अंश बन रहा है, यहाँ पे हमने कॉस थीटा के अंश थीटा का मान 0 अंश रख दिया है, तो कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, मैंने ए को नीचे भेज दिया है, तो ई बराबर 1 अपान में एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में ए आ गया है। यहाँ पर देखिए गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू, इस पर बल लगा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगाया गया बल, ठीक है, लगाया गया बल या बराबर ई इंटू क्यू हो गया, इसे समीकरण नंबर हम 4 मान लिए हैं। अब लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 3 से मान रखने पर, यहाँ पे देखिए 3 है समीकरण, इसमें मान रखेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये बराबर 1 अपान में एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट, ठीक है। अब देखिए इसको अच्छी तरह से रीअरेंज करके हमने लिख दिया है, तो हमारा कूलाम का नियम आ गया है, यह बराबर क्यू वन क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो दोस्तों इसका मात्रक अपने से लिखिएगा, हर एक वीडियो में आप लोगों को मात्रक अपने से लिखने के इसलिए कहता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से मात्रक लिखना समझ जाएं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को कोशिश किया है पूरी तरह से समझाने का, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया भी होगा। यदि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं, चैप्टर 3 को, तो आप लोग उसमें भी अपना प्यार बनाइएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।